हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना JKSSB एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करोगे। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि आप अपना JKSSB जूनियर इंजीनियर और सिविल मैकेनिकल पोस्टर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स रहने वाली है वो 1045 रहने वाली है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो शुरू होगी है और आपका जो लास्ट डेट है वो 20/12/2022 को रहने वाला है। तो ये बात की जाए, ये जो है R&B डिपार्टमेंट्स की पोस्टर्स हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा JKSSB। JKSSB सर्च करने के बाद आपके सामने www.jkssb.nice.in का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, तो आपको ओपन कर देना है। JKSSB का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्टर्स अंडर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 5/2022। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अंदर जो है नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 का अप्लाई लिंक आ जाएगा। तो आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके लिंक पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉग इन पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो जेके SSB के पोर्टल पे, तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा और लॉग इन कर देना है। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक सेंड किया जाएगा, वहां से आप लिंक को क्लिक करके फॉरगेट अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, फर्स्ट टाइम JKSSB के पोर्टल पे आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी, अपनी फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा जेंडर। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस फिल करना है। एक चीज आपको बता दो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर केयरफुली फिल करना, क्योंकि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको रीटाइप अपना मोबाइल नंबर करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपको वो ओटीपी वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से वापस आ जाना है होम पेज पे। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा जो आपने क्रिएट किया है। उसके बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पहली ऑप्शन आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट यूटी कैडर पोस्टर्स ऑफ पब्लिक वर्क R&B डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी पोस्ट की आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हो या जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको अपना जो पोस्ट है वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना अपना पोस्ट। उसके बाद आपको बताएगा डिपार्टमेंट जो है वो PWD है और सब डिपार्टमेंट जो है वो R&B है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैडर सेलेक्ट कर देना। आइटम नंबर जो है वो आपका 2201 है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नंबर फिल करना है। आप ए प्रेफरेंस फिल करना चाहते हो, बी प्रेफरेंस, आप चाहे तो यहाँ से आप दोनों जो पोस्ट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है, ओपन मेरिट, RBA, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे वो बता रहा है वेदर यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हो तो यस कर देना, अगर नहीं तो नो कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको इशूइंग अथॉरिटी डालनी है। उसके बाद आपको डिवीजन सेलेक्ट कर देना। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर।
उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। पहले आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर, रूम नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको लोकलिटी, मोहल्ला, वार्ड नंबर फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज डालना है। विलेज डालने के बाद यहाँ से आपको अपना डिवीजन डाल देना है। डिवीजन डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको तहसील सिलेक्ट कर देनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर देना। ब्लॉक डालने के बाद पंचायत, उसके बाद पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद बता रहा है सेव एज अ परमानेंट एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस और जो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस वो सेम है, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बता रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। अगर आप एम्प्लॉय हो या एक्सर्विसमैन है तो आपको यस कर देना, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई FIR या कोई कोटला या कोई कोर्ट ऑफ लॉ लगा है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे सब में नो कर देना है। नो करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। आपने JK बोर्ड से पास किया है, CBSE, ICSE या अदर किसी बोर्ड से पास किया है तो यहाँ से आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी फिल करनी होगी परसेंटेज। परसेंटेज फिल करने के बाद यहाँ से आपको अपना रिजल्ट डेट सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑबटेन मार्क्स 10th के और आपके मैक्सिमम मार्क्स 10th के। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th की डिटेल्स देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको बता रहा है डू यू हैव डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है डिग्री आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, उसके बाद आपको अपनी डिग्री परसेंटेज और डिग्री रिजल्ट डेट और डिग्री जो आपके मार्क्स ओवर 10 है वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स, उसके बाद आपको बता रहा है डू यू हैव एनी डिप्लोमा, तो अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आपको यस कर देना है, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ से आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज, रिजल्ट डेट, मार्क्स ओवर 10 और मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद आपको बता रहा है डू यू हैव IME सेक्शन, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। उसके बाद आपको बता रहा है डू यू पोजेस एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर देना, चाहे आप जम्मू डिवीजन या कश्मीर डिवीजन में रख सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ और लेटेस्ट सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। तो आपको यहाँ पे जो आपका फोटो साइज है वो लेस देन 1 MB रहेगा और आपका जो सिग्नेचर साइज भी है वो लेस देन 1 MB रहेगा। तो आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको अपना फोटो और सिग्नेचर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर, उसके बाद आपका फोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा, तो आपका फॉर्म पूरा आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है बिल डेस्क, तो आपको यहाँ पे बिल डेस्क पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आपको जो है वो 550 जो है वो आपकी फी रहेगी, तो आपको यहाँ पे अपनी फी पे कर देनी है। फी पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी? वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।